हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बच्चों के लिए दो फूड लाई हूँ। ये दोनों फूड में कैल्शियम और प्रोटीन भारी मात्रा में है। बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए दोनों बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए वीडियो के आगे बढ़ते हैं, हम आपको दोनों एक फूड बना के दिखाते हैं। बच्चों को हम दूध एक अलग किस्म के बनाकर एक टेस्टी और जो हेल्दी भी हो बनाकर दे सकते हैं, तो बच्चे इसे चाव से खाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए दूध, बादाम, दालचीनी का पाउडर, ब्राउन शुगर, इसके जगह पर आप गुड़ भी ले सकते हैं, मिश्री भी ले सकते हैं, और एक तरबूज का बीज है। ये देखिए, तरबूज का बीज ऐसे मार्केट में आता है, मैंने उसे पानी में भिगा के रखा है। आप एक घंटे दो घंटे भिजा दीजिए, भिजा देने से दूध में आराम से ग्राइंड हो जाता है। इसे छान लेंगे सबसे पहले ऐसे, अब ग्राइंडर में सबसे पहले इसको डालेंगे, ये तरबूज का बीज, बादाम, और ये बहुत थोड़ा सा डालेंगे, इतना ज़्यादा नहीं डालेंगे। दूध की क्वांटिटी हमारी जितनी है, हमारे ये छोटे ग्लास में एक ग्लास दूध है, उसके हिसाब से हम हाफ चम्मच डालेंगे। और बच्चे अगर मीठा खाते हैं तो शुगर दीजिए, अगर नहीं खाते हैं तो मत दीजिए। सबसे पहले थोड़ा दूध डालेंगे, मैंने डाला इसमें इस तरह, थोड़ा दूध डालेंगे। दूध दूध जो है ठंडा होना चाहिए जब हम इसको पीस रहे हों, नॉर्मल टेम्परेचर पर, नहीं तो पीसते समय हमारे ऊपर गिरेगा ये। अब पूरा ग्राइंड होने के बाद जब एक पेस्ट बन जाएगा, पूरे दूध में हम मिला देंगे। अगर बच्चे हमारे नॉर्मल दूध नहीं पीते हैं तो हम बच्चों को थोड़ा दूध ये पेस्ट मिलाकर गर्म करके भी दे सकते हैं, अगर नॉर्मल पीते हैं तो हम नॉर्मल भी दे सकते हैं। तो इसे ग्राइंड कर लेते हैं हम आगे। ये देखिए पेस्ट बन चुका है, जो मैं ले गई थी सब दूध में मिक्सर मिलाया था और उसका बहुत अच्छी तरह पेस्ट हो चुका है। अब इस पेस्ट को पूरे दूध में, एक गिलास दूध में हम मिला देंगे। पूरे दूध में अच्छे से मिला दीजिए। एक बात का ध्यान रखना, ये दूध बच्चों को, इसमें दालचीनी मैंने दिया है जो इम्यूनिटी को मजबूत करेगा, और दालचीनी गर्म होता है, इसलिए बच्चों को दिन में एक ही बार दालचीनी वाला दूध देना है, दिन में तीन चार बार भी नहीं देना है। क्योंकि अलग अलग अब दीजिए, कभी अब जायफल दीजिए, कभी आप दालचीनी दीजिए, अलग अलग दे सकते हैं, पर दालचीनी बच्चों को एक ही दिन में एक ही बार देना है दूध में। इम्यूनिटी बूस्टर भी है और टेस्टी भी है, बच्चों को ये हेल्दी भी है। अब मैं पनीर के पकौड़े बताने जा रही हूँ जो आप सबके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। ये मैंने दो चम्मच बेसन ले लिया है, इसमें एक छोटा चम्मच कॉर्नफ्लावर का डाल दीजिए, सेंधा नमक थोड़ा सा, चिली मिर्च, ये पीसा हुआ चिली मिर्च है, अगर आपके बच्चों को नहीं पसंद है तो आप मत दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है देना। मेरी बेटी को पसंद है, मेरी बेटी झाल खाती है, इसे मैं दे रही हूँ। इसको पेस्ट बना लीजिए, थोड़ा गाढ़ा पेस्ट बनाना है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, इसको ही मिला देंगे।
लम्स ना रहे। ये देखना नहीं पनीर अच्छा नहीं लगेगा। अच्छे से पेस्ट बना लेना है जब तक कि लम्स ख़त्म ना हो। ये देखिए बन गया खूब सुंदर सा पेस्ट। इस तरह चाहिए पेस्ट। अब इन पनीर के टुकड़ों को बेसन में कोट करना है। अच्छे से सारे पनीर में ये बेसन का जो पेस्ट है अच्छे से लग जाए। ये बहुत जल्दी बन जाता है। हो गया। और गैस नहीं, एक पैन में हल्का सा तेल लगाइए। बहुत ज़्यादा तेल नहीं देना है, मैं सेलो फ्राई करूँगी। जो पेस्ट बच रहा है सबके ऊपर ऐसे थोड़ा थोड़ा करके दे दीजिए। शुरू में हाई फ्लेम रहेगा, उसके बाद मैंने देखिए स्लो कर दिया। फ्लेम स्लो पर ही इसको पकाना है, नहीं तो जल जाएगा। देखिए एक तरफ जब हो जाएगा लाल तो उसको पलट देना है इस तरह एक चम्मच की सहायता से। थोड़ा से साइड से तेल लगा दीजिए। जब तक ये हो रहा है एक तरफ, मैं आपको बता दूं जो मैं दालचीनी का दूध बनाया था, मेरा बड़ा चम्मच था उसे मैंने कि बड़े चम्मच का आधा चम्मच नहीं दिया था। आपको जब देना है तो उसमें छोटा चम्मच से आधा चम्मच या उससे भी कम देना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कि हमारे पकौड़े भी बस फ्राई हो चुके हैं। देखिए दोनों ये पक चुका है दोनों तरफ से। देखिए मैं इसे निकाल लेती हूँ, गैस बंद कर दीजिए और इसे निकाल लीजिए। Thank you.
टमाटो सॉस के साथ बच्चों को दीजिए, ये बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी फूड बच्चों के लिए अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज तक के लिए बस इतना ही, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।